वाराणसी के सारनाथ थाना इलाके के रुचि हॉस्पिटल में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। हंगामा कर रहे परिजनों ने बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक पटेल ने युवती को 4 दिन पहले भर्ती किया था। इस दौरान ऑपरेशन करने पर युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन अब युवती की हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई। वहीं आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। फिलहाल बच्चा आईसीयू में भर्ती है। ऑपरेशन सही नहीं हुआ, ऑपरेशन होने के बाद पेट उसका अंदर होना चाहिए, इतना नहीं 4 दिन हो गया, नॉर्मल होना चाहिए। पेट उसका देख रहे हैं ज्यादा हो गया है, उसके बाद मुंह से गाज निकल रहा है, इन्फेक्शन हो गया है उसको। क्या लापरवाही है, तो मतलब ज्यादातर लापरवाही जानी जाती है इसमें, पूरी 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 लापरवाही। आप लोग क्या चाहते हैं भैया कि किस तरह से उनके साथ हुए? डॉक्टर सामने बैठे तब ना बताएंगे क्या है, आप दूसरों की जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। क्या नाम था बहनी का? स्वाति राय। अगर 4 दिन का मामला है तो आप बीच में बोल सकते हैं, लेकिन ये बोले नहीं, बच्चा पैदा कर दिया। तो बच्चा इसमें कैसा है, कहाँ पे है? वो भी आईसीयू में, वो भी मर जाएगा। तो पहला बच्चा है? पहला बच्चा है। लापरवाही लग रही थी, उनके खून की कमी, किस तरह की लापरवाही? आपको रेफर कर देना चाहिए ना, नहीं समझ में आया तो नरसंग कर दिया आगे में। नहीं, क्या नाम है डॉक्टर का, किस हॉस्पिटल में? दीपक। आज सुबह की घटना हो गई थी जीपुरम कॉलोनी में। आज से करीब 4 दिन पहले स्वाति नाम की एक महिला जो गर्भवती थी वो एडमिट हुई, और वहाँ पर ऑपरेशन के बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चा स्वस्थ है इस समय, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से, जैसा परिवार वाले बता रहे हैं कि उनकी घर की जो औरत है उनका स्वाति नाम है, उनका देहांत हो गया है। सर, उनके परिवार वालों का क्या कहना है इस समय? डॉक्टर कहाँ? अभी डॉक्टर तो छोड़ के गए हैं, हॉस्पिटल भाग गए हैं। डॉक्टर की पत्नी है, उनसे बातचीत चल रहा है परिवार वालों से, और आपस में भी लोग बात कर रहे हैं। जो डिसीजन लेंगे परिवार वाले, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उनकी पत्नी कुछ बताई सर, जो शकुंतला है? अब वो आपस की बात कर रहे हैं, लोग क्या बात हो रही है वो लोग जानते हैं। तो किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है सर? जैसा परिवार वाले चाहेंगे उस हिसाब से हम लोग अपना वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।